अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू स्टूडेंट ट्यूब। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट की। अगर आपको याद हो तो हमने पिछले लेक्चर में बात की थी कि इज़ कैश इन हैंड इज़ आर प्रॉफिट, क्या हमारे हाथ में जो सारे दिन में कैश आता है वो हमारा प्रॉफिट होता है। तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, उसे ज़रूर देखिएगा। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट की, कि प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट में क्या फ़र्क होता है। ठीक है, तो प्रॉफिट क्या होता है? अगर आपकी सेल्स हुई और आपने उसमें से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट निकाल दी, ठीक है, सेल्स हुई माइनस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। अब सेल्स मतलब कि दिन भर में या पूरे महीने में जितनी भी आपने चीज़ें बेची हैं वो आपकी हो गई सेल्स, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट क्या है? जो चीज़ें आपने बेची हैं उसकी कॉस्ट। ठीक है, तो ये इक्वल हो जाती है प्रॉफिट के। ठीक है, सेल्स है हमारी 5000 माइनस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट हो गई 3500, ठीक है, इज़ इक्वल टू 1500। ठीक है, तो ये 1500 है हमारा सिंपल प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट क्या होता है? नेट प्रॉफिट होता है, नेट प्रॉफिट इज़ इक्वल टू प्रॉफिट ले लेते हैं लाइक प्रॉफिट, या फिर इनकम भी हम इसे कह सकते हैं, प्रॉफिट माइनस एक्सपेंसेस। ठीक है, प्रॉफिट और इसे इनकम भी कह सकते हैं। तो नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू प्रॉफिट माइनस एक्सपेंसेस या इनकम माइनस एक्सपेंसेस। अब सेल्स हो गई, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट निकल गई, प्रॉफिट आ गया या इनकम हो गई इसकी आज की, कि मैंने इतनी आमदनी हुई है। ठीक है, अब प्रॉफिट माइनस एक्सपेंसेस, अब ये प्रॉफिट जो है इसमें से तमाम एक्सपेंसेस निकलेंगे, बिजनेस के जितने भी एक्सपेंसेस हैं। ठीक है, ओनर के पर्सनल एक्सपेंसेस नहीं, बिजनेस के जितने एक्सपेंसेस हैं वो तमाम इसमें से निकलेंगे। क्या क्या होंगे? एम्प्लॉयज़ की सैलरी हो सकती है, टैक्स हो सकता है, और डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपेंसेस हो सकते हैं। वो जब इसमें से निकलेंगे तो फिर आएगा हमारा नेट प्रॉफिट। ठीक है, तो ये है डिफरेंस के इनकम या प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट क्या होता है। जो इनकम है वो तो आ जाती है सेल्स में से, जब हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट माइनस होगी तो वो आ जाएगी। फिर नेट प्रॉफिट तब आता है जब हमारे तमाम एक्सपेंसेस, जितने भी बिजनेस के एक्सपेंसेस है, वो जब तमाम प्रॉफिट में से निकलते हैं तब हमारा नेट प्रॉफिट आता है। उसमें डेप्रिसिएशन होगा, अकाउंट पेबल होगा, टैक्स होगा, लोन पेबल होगा, जितने भी हमारे पेबल्स होते हैं वो उसमें से निकलेंगे, तभी हमारे पास नेट प्रॉफिट आएगा। इंशाल्लाह जब हम फ्यूचर में इनकम स्टेटमेंट की बात करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात करेंगे, तो उसमें ये जो छोटी छोटी चीज़ें जो अभी मैं आपको समझा रही हूँ वो उसमें आएंगी। ठीक है, तो उसमें जब हम सब कैलकुलेट कर लेते हैं तो हमारे पास आखिर में नेट प्रॉफिट, बेसिकली उसमें नेट प्रॉफिट निकालना होता है। ठीक है, तो आपको पहले से पता होना चाहिए कि नेट प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट क्या होता है, सेल्स क्या होती हैं, ड्रॉइंग क्या होती है, एसेट्स क्या होते हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये बेसिक्स हैं अकाउंटिंग की, इसलिए आपको पता होनी चाहिए, तभी जब आगे अकाउंटिंग में हम बड़े क्वेश्चंस करेंगे, बड़ी स्टेटमेंट्स करेंगे, तो आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी। उम्मीद करती हूँ आज का ये छोटा सा टॉपिक आपको अच्छे समझ आया होगा। मज़ीद टॉपिक्स के लिए मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब, और साथ ही अपने क्लासमेट्स एंड फ्रेंड्स से शेयर भी ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।